बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन शेयर करूंगी। चलो फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये नीचे पे बुकरम के ऊपर हमने ये एक इंच विड्थ के साथ हमने ये कपड़ा अटैच किया हुआ है। हम ये 5.5 इंच की दो स्ट्रिप निकालेंगे। ये 5.5 इंच की है एक स्ट्रिप। इसको हम दरमियान से फोल्ड करेंगे और इधर वी की शेप में हम सिलाई लगाएंगे। तकरीबन ऊपर से 0.5 इंच है ये वी की शेप में। डबल हम इसको सिलाई पक्की कर देंगे। ये वी की शेप लगाएंगे, फिर इसको हम ये मशीन के ऊपर जो ये हमारी ये लगी हुई है स्टिक, इसके साथ हम सीधी करेंगे इसको इधर से कट करके, फिर हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके इसको प्रेस लगा के फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, फिर फिक्स हो जाएगा हमारा ये डिज़ाइन। ये देख, हमने इसको प्रेस कर लिया, अब हम इसको सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये हमारा डिज़ाइन। ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पेपर लेंगे जिसकी विड्थ हमने ली है 4 इंच और लंबाई हमारा जितना डिज़ाइन है ट्राउज़र है उतने लेंगे। अब हम ये हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे इनको। ये देखें, ये हम बिल्कुल थोड़ा सा गैप हो इसके अंदर कि हमारा एक मोती आ जाए इसके अंदर। ये हम इसको स्टिच लगा लेंगे। चलिए फिर, जब तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल का विजिट करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे वहाँ पर। ये हम इसी तरह सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। गैप हमने बिल्कुल नहीं रखना, ये बस थोड़ा सा गैप है जिसमें हमारा एक मोती आ जाए। आप इसके नीचे ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं या दूसरे कलर में कपड़ा भी लगा सकते हैं। एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली, इनको सेट करके हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगी और नाप बिल्कुल सही रखेंगी तो आपका बिल्कुल डिज़ाइन बेस्ट बनेगा। अब हम इसको ट्राउज़र के साथ स्टिच करेंगे। जो सिलाई हमने पहले डिज़ाइन के ऊपर लगाई उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये पूरे को स्टिच करके फिर इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगाएंगे। इसे हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नीटनेस और खूबसूरती आ जाती है। ये टॉप स्टिच भी लगा ली। अब हमने नीचे ये 1 इंच चौड़ाई में बुकरम लेनी है। हमने ये फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके रखी हुई है। ये हम उल्टी साइड पे रख के इसके सिलाई लगा के जहाँ पर हमने पहले ही लगाई थी सिलाई, और चेपी बुकरम वाला हिस्सा हमने ऊपर करना है। ये ऊपर इसके पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने पूरे पैटर्न पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो हमारा पेपर हम इसको रिमूव करेंगे नीचे से। और ये हम ये जो बीट्स हैं ये लगाएंगे इधर। इसके अंदर हम मोती लगाएंगे और ये जो हमारे दो डिज़ाइन मिलते हैं इस जगह पर हम वैसे टांका लगाएंगे। इससे हमारा डिज़ाइन इधर उधर नहीं होगा। ये वाला डिज़ाइन इधर मोती नहीं लगाएंगे, फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इधर भी मोती अगर लग गया तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम वैसे स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना हो। हमने सिर्फ और सिर्फ ये हमने जो होल छोड़ा है इसके अंदर मोती लगाएंगे इसके अंदर, बाकी अगली जगह पर हमने इसके स्टिच लगाना है वैसे ही। ये देखिए हमारा डिज़ाइन अगर रड़ी कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना निफासत से बना हमारा डिज़ाइन। चलिए फिर, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। खुश रहें, आबाद रहें, लम्हे आप सबको अपने घरों में सलामत रखें। चलो फिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।